गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक. वेलकम टू द अनदर लेसन फॉर फोटोशॉप. हमने लास्ट टाइम इसको डिस्कस किया था. वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट फीचर्स. अगर आप भूल गए हो तो आप रिकॉल करना, आपको याद आ जाएगा. इंटरनेट पे भी रिसर्च कर सकते हो. मैं आज दोबारा से उसका रिकैप देके टाइम वेस्ट नहीं कर सकते. हमने आगे मूव ऑन करना है. हमने कुछ टूल एक्सप्लोर किए थे, हमने सेक्शन टूल एक्सप्लोर किया था, हमने कुछ ये फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड के बारे में बात की थी, हमने कुछ शेप्स के बारे में बात की थी, थोड़ा हमने इस मेन्यू के बारे में बात की थी. एंड वी टॉक्ड अबाउट द वर्क स्पेस. वर्क स्पेस क्या होता है, यानी कि all whatever is visible in front of you is your workspace. और आपको अपने इसके accordingly आप set कर सकते हो. जब आपने set कर लिया है, आप उसको workspace में जाके set करने के बाद new workspace करोगे तो आपको सेव करने की ऑप्शन देगा. उसको रीनेम करोगे और आपके नाम से आपकी वो वर्कस्पेस सेव हो जाएगी. आपके नाम से या किसी भी नाम से आप सेव करना चाहो, फिर हमेशा जब आप वो वर्कस्पेस क्लिक करोगे तो वो अकॉर्डिंगली जो आपने लेआउट बनाया था वैसे ही आपको नजर आएगा. अगर आपको इनमें से कुछ मेन्यू नजर नहीं आते, आपने इंटरनेट पे कुछ ट्यूटोरियल देखा वहां पे नजर आ रहे थे, आपके में नजर नहीं आ रहे, तो ऑब्वियसली वहां से वो अनचेक होगा. आप उसको चेक करोगे तो वो हो जाएगा. वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट के फोटोशॉप जो है वो रास्टर होती है. रास्टर बेस्ड यानी पिक्सल बेस्ड होती है, और इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ वो वेक्टर बेस्ड होती है. वेक्टर बेस्ड में अगर आपने साइज के बारे में सोचे बगैर डिजाइनिंग स्टार्ट कर भी दी तो कोई मसला नहीं है. आप किसी भी साइज पे उसको कन्वर्ट कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, लेके जा सकते हो, ठीक है. हाउ एवर फोटोशॉप में प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं है, उसकी टेक्निकल लिमिटेशन है फॉर अ पर्पज, कि आपने शुरू में काम करने से पहले केयरफुली डिसाइड करना है कि आपने किस साइज के लिए काम करने लगे हो. तो हम सबसे पहले जैसे पहले किया था फाइल में जाकर न्यू करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल केयरफुली चूज कि हम किस पर्पज के लिए काम कर रहे हैं. हम प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं, ओके फाइन. और हम लेट से हम 8x8.5x11 जो डिफरेंट आपको पता है मैगजीन के साइजेस होते हैं. अगर आप किसी भी बुक शॉप पे जाते हो, आपको मैगजीन देखते हो, कुछ मैगजीन के साइज तो सेम है, उन्होंने अपनी मर्जी की है. कुछ लोग जानबूझ के टू स्टैंड आउट डिफरेंट मैगजीन का साइज रखते हैं. सेम गोज टू डाइजेस्ट. रीडर डाइजेस्ट जो है वो उन्होंने फन के लिए छोटा साइज ही क्या रहा है. डाइजेस्ट का वर्ल्ड वाइड ट्रेंड ही छोटा साइज होता है, बिकॉज पीपल कैरी डाइजेस्ट विद देम थ्रू आउट इन देयर पर्स, इन देयर बैग्स फॉर मोबिलिटी. सो दैट इज वाई. होल्ड ऑन. Got it. So, this is how things work actually. So, अभी हम अगर आप इंटरनेट पर देखते हो तो 2020 में नॉर्मली जो ट्रेंड चल रहा है किसी भी मैगजीन का वो 8.5x11 होता है. ये पीडीएफ वाले वर्जन का है. इसमें ट्रिमिंग कटिंग होती है, ठीक है. वो प्रिंटिंग प्रेस वाले मार्जिन काटते हैं. मैं ज़्यादा डिटेल में जाके आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा. और हम क्योंकि पोर्ट्रेट वाला बना रहे थे, हम पोर्ट्रेट को क्लिक करेंगे. इंचेस में मैं बात कर रहा था, 36 इंचेस. एंड लाइक आई टोल्ड यू, सबसे पहले हम केयरफुली साइज डिसाइड करेंगे. हमने साइज डिसाइड कर लिया. अब हम लाइक आई टोल्ड यू, आज का क्विक एजेंडा है कि हमने एक मैगजीन कवर बनाना है, ठीक है. सो बिकॉज मैं आपको बहुत जल्दी ना चारों के, अब आप प्रीलिमिनरी में ये जो भी आज की बातें की, इसके बाद अगला राउंड होगा, आप एक्चुअल मैगजीन कवर डिजाइन करोगे. ऑब्वियसली वो प्रीलिमिनरी होगा, आपका फाइनल नहीं होगा, बट स्टिल इट विल बी वर्थ इट. द फर्स्ट स्टेप विच विल डू, आपको पता है फोटोशॉप या कोई मैगजीन होता है, हम फोटो बेस्ड बनाएंगे, ठीक है. इलस्ट्रेशन बेस्ड नहीं बनाएंगे. इलस्ट्रेशन बेस्ड के लिए भी आपको इलस्ट्रेटर में जाके इलस्ट्रेशन बना के इसमें लानी पड़ेगी, जो कि हमारे कोर्स के डोमेन से थोड़ा सा ट्रैक से हट जाएंगे. करना चाहो तो कर सकते हो. नॉर्मली दुनिया में ऑलमोस्ट 95% या मे बी 98% जो मैगजीन्स होते हैं, ज़्यादातर ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम वो फोटो बेस्ड होते हैं. बैकग्राउंड पे एक फोटो होती है. हम एक फोटो ले लेते हैं. मैंने अभी आपकी क्लास से पहले इंटरनेट से रैंडमली एक स्पोर्ट्स की फोटो डाउनलोड की थी. मैं उसको यूज करना चाहूंगा. तो कैसे यूज करेंगे, हम फाइल में जाएंगे, ओपन. ओपन में जाके आपने जहाँ पे भी वो डाउनलोड की हुई है, लेट्स से मैंने ये अमेरिकन बेसबॉल, राइट, इसको मैंने, आई एम गोइंग टू ओपन इट. और ये फोटो सेपरेट, ये मेरा फोटोशॉप का वो नियर टू ए फोर साइज कह लो, वो एक ब्लैंक कैनवस था, ठीक है. और ये वो दूसरा इमेज यहाँ पे आ गया. अब मैंने इस इमेज को यहाँ पे लेकर आना है, ठीक है. लास्ट टाइम मेरी एक ऑप्शन मुझे मिल नहीं रही थी, क्योंकि इलस्ट्रेटर में वो इजीली आ जाती, फोटोशॉप में इस वर्जन में नहीं थी, तो वो मैंने फिगर आउट कर ली. विंडोज में जाके अगर आपको नहीं मिलता, बताऊँ क्या चीज़ नहीं मिलता. वर्कस्पेस में जाओगे, सॉरी अरेंज में जाओगे, और यहाँ आपको ये टाइल्स मिल रही होंगी, ठीक है. विंडोज में जाके, अरेंज में जाके टाइल्स. अगर आपने 10 इमेजेस यहाँ पे ओपन किए तो 10 के 10 आप ला सकते हो. मेरे पास दो हैं, तो मैं कन्वीनियंटली दो वाली ऑप्शन को चूज कर सकता हूँ. दैट इज टू अप वर्टिकल.
यानी मेरी दोनों चीजें जो इकट्ठी थी, इमेज यहाँ पे नजर आ रहा है और यहाँ पे मेरा ब्लैंक कैनवस मुझे नजर आ रहा है, मैं इसको यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे लाके इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा और वो मेरे पास वहां पर आ गया। और उसके बाद मैं चाहूँ तो इसको क्रॉस कर दूँ और चाहूँ तो इसको जस्ट मुझे कंसोलिडेट ऑल टैब्स कर देना है, ठीक है। वो वापस उधर आ गया, ये इधर वापस आ गया, ठीक है। सो मेरा एक्चुअल इमेज इट वॉज लाइक दिस, यहाँ लाने के बाद वो एग्जैक्टली उसके अकॉर्डिंगली हो गया है, वो उसने अपने आप को बाकी साइज क्रॉप नहीं किया, ठीक है। बाकी साइज है अगर आप देखो, ठीक है, वो नजर आपको आ रहा है लेकिन वो छुप गया है। सो अगर छुप नहीं है तो दो ऑप्शन है, आप उसको बीच में क्रॉप करके लेकर आओ, एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि क्रॉप करके लेकर आओगे तो आपकी फोटोशॉप फाइल का साइज छोटा हो जाएगा। और अगर आपको साइज के इश्यूज हैं, फोटोशॉप फाइल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसका प्रिंटिंग से कोई इतना बुरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर आपको स्टोरेज इश्यूज हैं यूएसबी में डालने के लिए, या आप चाहते हो मेरी जॉब बहुत बड़ा ना बने, तो फिर आप इसको केयरफुल करोगे। सिंस और जो नॉर्मली जो 100 पेजेस के मैगजीन्स होते हैं वो क्रॉप करके लेकर आते हैं, कुछ केसेस में वो क्रॉप इसलिए नहीं भी करते कि उनका जो डिजाइन हेड होता है वो बाद में कहता नहीं इसको लेफ्ट कर दो राइट कर दो, तो वो तो क्रॉप कर चुके हो तो फिर लेफ्ट राइट हो नहीं सकता। तो टोटली अप टू यू। अनस अता हैज रेज हैंड। अनस मैं आपको, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, मैं बाद में आपको क्वेश्चन को एड्रेस करता हूँ। सो अप टू यू, क्रॉप करना है क्रॉप कर लो, और क्रॉप करने के लिए हम इसको यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे ऑब्वियसली। अब हमने 8.5x11 किया हुआ था, ठीक है, 8.5x11। सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं क्रॉपिंग में जाके, अब यहाँ पे एक और चीज, समटाइम्स व्यू में आप जाते हो आपका रूलर सिलेक्ट नहीं होता, आपको यहाँ पे रूलर नहीं नजर आ रहा होगा, मार्जिन वगैरह नहीं नजर आ रहे होंगे, तो अगर आपके पास नहीं नजर, आपने परेशानी होना, व्यू में जाके आपने रूलर्स को ऑन कर लेना है, ठीक है। और रूलर्स में अगर लेट्स से ये पिक्सल्स वगैरह में होता है, इधर राइट क्लिक करते हैं एक मिनट, या परसेंटेज शो कर रहा है, तो आपको सर ये तो मेरे पास तो कुछ और नजर आ रहा है, राइट क्लिक करके इसको आप इंचेस में कर लो, अगर आप इंचेस में वर्किंग कर रहे हैं। अब मुझे इंचेस में दिखा रहा है, जीरो से लेकर ये कहां तक है, मुझे ये इंचेस में, तो मुझे लेट्स से 11 पे लेकर आना है, ठीक है। और इफ यू कैन सी, ये यहाँ पे ब्लैक में दिखा भी रहा है कि 11 हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, फॉर एग्जांपल जानबूझ के आपको दिखा रहा हूँ एक ब्लेंडर करके, ठीक है, लेट्स से इसको हम, वो 11 कर दिया, इसको हम 8 कर देते हैं, टोटली अप टू अस। मैं इसको ना वो कर दिया है, फॉर एग्जांपल ये वी आर ऑलमोस्ट 8, मैंने इसको लैंडस्केप कर दिया है, तो 8 इंच बाय 11 इंच इतना बनता है। तो व्हाट अबाउट अदर इमेज, इसका मतलब है कि हमने बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेज लिया था, विच इज गुड, विच इज एक्सट्रीमली गुड, ठीक है। तो हम उसको रिसाइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं यूज करने के लिए। सो दिस इज वन थिंग आई टोल्ड यू, ऑल्दो हम इस चीज की तरफ नहीं जा रहे, और अब कंट्रोल जी मैंने आपको बताया था वो एक स्टेप बैक लेके जाता है, अगर हमने मल्टीपल स्टेप बैक जाना है तो ऑल्ट कंट्रोल जी करेंगे तो मल्टीपल स्टेप लेके जाएगा, या आप एस्केप कर दो तब भी हो जाएगा, ठीक है। सो एक ये आपको मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप सिंपली कैनवस बना के उसको ड्रैग करके ले जाओ, अब आपकी मर्जी, इसको जैसे मर्जी यूज करो। दूसरा, आप उसको क्रॉप करके ले जाओ, टोटली अप टू यू। तीसरी ऑप्शन एक और भी है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई है, आप सिलेक्शन कर सकते हो। सिलेक्शन में भी आप, ये आप देख रहे हो ये जो सिलेक्शन साइज है, यहाँ पे मैंने एक्चुअली ऑलरेडी सॉरी सेट किया हुआ था, यहाँ से देख रहे हो 8 यहाँ पे पहले सेट कर लोगे, लेट मी मेक इट नॉर्मल फर्स्ट। ये सिलेक्शन में आपके पास फ्रीडम था, जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सिलेक्शन हम किसी भी साइज का कर सकते हो, ठीक है। और ये सिलेक्शन पे सिलेक्शन हो रही है, अगर मैं ऐसे करूँगा तो पुरानी लॉस्ट हो जाएगी, वो ऑप्शन सिलेक्ट की हुई थी मैंने, अगर ऊपर देखो, इसलिए पुरानी के साथ नई को भी ऐड कर देता है, और इसमें पुराने के साथ नई को सब्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। मैं ज़्यादा ऑप्शन बता के आपको कन्फ्यूज नहीं करना चाह रहा, सॉरी, मैं सीधा सीधा चलता हूँ। तो नॉर्मली ये नॉर्मल सिलेक्शन थी, ठीक है। अगर आप इसको फिक्स साइज सिलेक्ट करके, फिक्स साइज क्रॉप करके, फिक्स साइज लेके जाना चाह रहे हो, ठीक है, या क्रॉप नहीं कर रहे सिर्फ सिलेक्ट करके लेके जाना चाह रहे हो, विच इज डूएबल, तो उसके लिए आपको पहले फिक्स साइज में जाना पड़ेगा। फिक्स साइज में चले गए, 8 इंच बाय 11 इंच या 8.5, मैंने आपको शायद बताया था, या 8.5 था हमारा साइज, तो मैं इसको 8.5 कर दूंगा, एंटर करूंगा, और 11। अब उसने, होल्ड ऑन अ सेक, अब मेरा जो सिलेक्शन बनाएगा उसने 8.5 बाय 11 की रेशियो सेट कर दिया है, ये वो साइज है, ठीक है।
हम इससे बड़ा छोटा इसको नहीं कर सकते, बिकॉज आई टोल्ड यू अर्लियर ये ऑलरेडी बहुत बड़ा इमेज था, ऑलरेडी बहुत बड़ा इमेज था, और हमारा 8 इंच बाय 11 इंच जो मैगजीन एक्चुअल बनेगा इस साइज का बनेगा। सो पहला स्टेप है, या तो इसको रिसाइज करो, इमेज में जाके आप इसको इमेज साइज दे सकते हो, ठीक है। अब इसको पहले ही इसको सेंटीमीटर्स की जगह पे इंचेस में आ जाओ, और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ लेट्स से हाइट इसकी 11 और इसकी मैं कर रहा हूँ विड्थ कर रहा हूँ 8.5, ठीक है। और इसको मुझे इसको ना हाइट रेशियो को ये मैंने अनलिंक कर दिया है ताकि अपनी मर्जी से मैं इनको ख़राब कर सकूँ, वो माइंड ना करे, ठीक है। लेकिन ये ऑब्वियसली इसकी एक्सपेक्ट रेशियो से ख़राब हो जाएगी, बट आपको मैंने ऑप्शन बता दिया है। हम क्या करेंगे, हम इसको हाइट को 11 कर देंगे, ठीक है, और इसको हम फोर्स इसको लिंक कर देते ना पहले। अब देखो ज़रा हाइट में कर रहा हूँ 11 और उसने ऑटोमेटिकली मुझे एग्जैक्ट 11 इंच का दे दिया। विड्थ वाइज मैं इसको क्रॉप कर सकता हूँ। अब जो मेरा इमेज है और मैं इसको थोड़ा सा, ये आप नोटिस कर रहे होंगे गाइस, ये 33% पे है, ठीक है, यहाँ पे भी नजर आ रहा है। इसको मैं 100% पे व्यू करता हूँ तो एक्चुअली ये इसका ये साइज है, और जब मैं इसको प्रिंटिंग, और मैं और जूम कर सकता हूँ कंट्रोल प्लस दबा के, ठीक है। सॉरी मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए ज्यादा तो नहीं हो रहा, हो रहा तो दोबारा भी रिपीट कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। वैसे भी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बार बार देख सकते हो, आई एम ग्लैड कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। सो हमने इसको ये जो हाइट है ये परफेक्टली A4 या 8.5/11 पे परफेक्ट आएगी, छोटा नहीं लगेगा, ठीक है। और विड्थ वाइज अब हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको 11 हो गया, मैं इसको 8.5 पे ले आता हूँ, 8.5 इज हेयर, ठीक है, एग्जैक्टली हेयर है 8 और 9 के बीच में। तो आप नोटिस कर रहे हो गए ये मेरे पास 8.5 हो गया, और इसको मैं खींच के लेट्स से ऐसे कर सकता हूँ टोटली। मैं देखो अनस को गुस्सा आ रहा होगा, सर आप कितना बेसिक बता रहे हैं। बेटा मैं आपको मल्टीपल चाइल्डिश वे से बताना चाह रहा हूँ, और एंटर करूंगा तो वो लॉस्ट हो जाएगा मेरे पास। यानी कि एक तरीका था सिंपली आप उसको खींच के हम यहाँ ले आए थे, ये पिछला वे था, मैंने उसे ऑटो एडजस्ट कर दिया। एक है उसका साइज में रिसाइज करके लेकर आया हूँ, तो अब जब मैं इसको फोटोशॉप फाइल सेव करूंगा इट विल बी वेरी लो इन साइज, ठीक है, क्योंकि ऑल दो हमें साइज के इश्यूज नहीं है। लेकिन अगर आपको साइज के इश्यूज नहीं है तो आप उसको एज इट इज ले आओ ताकि हाई रेजोल्यूशन रहे, कोई मसला नहीं, दोनों में प्रिंटिंग क्वालिटी का इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बल्कि नहीं, मैं फिलहाल समझ लो पड़ता तो है, लेकिन फिलहाल समझ लो कि नहीं पड़ेगा, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। सो इन आई व्हाट आई डिड, मैं इसको फिलहाल डिस्कार्ड कर रहा हूँ, आई जस्ट हैव दिस। अच्छा मेरे पास क्लास टाइम भी कम हो रहा है, एक काम करते हैं अभी मैं क्विकली दो चार चीजें करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं इसको सेव करने लगा, इमेज को मैंने क्रॉप करके फिलहाल आपको दिखाने के लिए किया था, इसको छोड़ दिया मैंने। मैं वापस अपने फोटोशॉप के कैनवस पे आ गया हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था एक बैकग्राउंड लेयर होती है, दिस इज विच इज माई कैनवस, और उस पर जब मैंने इमेज इम्पोर्ट किया या ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो इमेज इस लेयर पे आ गया। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने इसको सेव एज करना है, सेव एज इसका नाम है लेट्स से SPORT स्पोर्ट्स कवर 1 के नाम से। मैं फोटोशॉप फाइल सेव कर रहा हूँ, और ये PSD फाइल होती है, फोटोशॉप PSD में सेव होता है। मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी डोंट शो इट अगेन एंड ओके, उसने फोटोशॉप फाइल मुझे सेव कर दी। अब मुझे इस पर टेक्स्ट भी लिखना है, लेकिन पहले मैं कुछ ग्राफिकल एलिमेंट्स ऐड करता हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास थोड़ा सा शॉर्ट है। बार कोड मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, मैंने नेट से बार कोड PNG नाम की फाइल डाउनलोड की हुई थी, ओपन करूंगा ये बार कोड आ जाएगा। उसी तरह ही विंडो में जाऊंगा, अरेंज में जाऊंगा, और मैं लेट से 3 कर लेता हूँ, 2-3 चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। दिस इज़ माई फोटोशॉप फाइल, ठीक है, PSD लिखा हुआ है। यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, और वापस मैं इसको मैं मुझे बार कोड अब नहीं चाहिए, आई एम गोना रिमूव इट। वैसे मुझे ये भी नहीं चाहिए तो मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ, डोंट सेव, ठीक है। बार कोड मेरे पास आ गया एंड आई एम गोइंग टू जस्ट यूज इट समवेयर। ऑब्वियसली साइज रूटीन से बड़ा है तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के लिए मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा, ठीक है, Ctrl+T फॉर टैंगो, Ctrl+T करूंगा, मेरे पास ये मार्जिन दे देगा शिफ्ट दबा के ताकि इसकी प्रोपोर्शन खराब ना हो। मैं यहाँ पे बार कोड लगा रहा हूँ, आपकी मर्जी यहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो, जहाँ अच्छा लगे। मैं फिलहाल यहाँ लगा रहा हूँ जस्ट टू
और लगाने के बाद मैं इसको करूंगा यहाँ पे मूव टूल पे, तो वो मुझे अप्लाई करना है, अप्लाई करूंगा तो वो वहां पे हो जाएगा, हाउ एवर आई कैन मूव इट एनी वेयर वेर एवर आई वॉन्ट टू। आप नोटिस कर रहे हो ये मेरे बारकोड की लेयर है, आप इसका नाम बारकोड रख सकते हो ताकि और डिजाइनर्स अगर आपके साथ काम कर रहे हो तो उनको कन्फ्यूजन ना हो। और ये मेरा इमेज लेयर है, इमेज कह लो आप इसको, सॉरी, ठीक है। अच्छा अब मुझे कुछ टाइपो ऐड करनी है, जैसे हमें पता है, ठीक है, कुछ हमने इसका टाइटल देना है इसका, इस मैगजीन का, सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन टेक्स्ट, ठीक है। ये वो बातें मैंने आपको लास्ट टाइम बताई हुई थी, ठीक है। टेक्स्ट में जाके लेट्स से मैं इसका नाम रखता हूँ, इसका नाम को रख देते हैं सिटी स्पोर्ट्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। वैसे सिटी स्पोर्ट सिटी डार्बी से निकाला है मैंने, SPORTS, सिटी स्पोर्ट्स मे बी। और इसका हम थोड़ा सा साइज हम मॉडिफाई कर देते हैं, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, आपकी मर्जी। अच्छा ये जो है विंडोज में जाके कैरेक्टर ये आपने ऑन कर देना है, ठीक है। एक दफा ये आपको बस आज अगर नजर नहीं आ रहा था तो, अगर आपने इसमें स्पेस कम करना है स्पेस कम कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने कोई खास फॉन्ट डाउनलोड नहीं किए हुए आप लोगों के लिए, मैं नॉर्मली इसको जीरो कर रहा हूँ, तो इसमें स्पेस जो आपस में जीरो हो गई है। अगर मुझे और आपस में कंजेस्टेड चाहिए, शशका वगैरह लोग करते हैं, -50 कर दूंगा, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा वो, ठीक है। अगर इसका राइटिंग साइज बढ़ाना है तो 172 तक डिफॉल्ट आ रहा है, ऊपर आप जो मर्जी लिखना चाहो लिख सकते हो। लेट्स से आई एम गोना मेक इट 150 प्रॉब्ली, 150 पॉइंट्स, ठीक है। और दिस इज इट। आपने किस नोटिस किया है, हमारे पास टाइम है वैसे, नोटिस किया कि अब वैसे तो ऐसा भी चल सकता है, और इसमें थोड़ा सा मैं ना इसको थोड़ा सा इसमें स्पेस बढ़ा देता हूँ, ठीक है। सिटी स्पोर्ट्स सिटी रावी से मैंने नाम दे दिया, बोंगा नाम है मुझे पता, आपको शशके वाला नाम कर सकते हो, बाद में इस बारे में भी बात सोचेंगे, आपने वो भी तो सोचना है, ठीक है। सिटी स्पोर्ट्स, अब ये सिटी स्पोर्ट्स बुरा नहीं लग रहा, ऐसा दुनिया में होता है, हम इस टेक्स्ट पे और इफेक्ट्स लगाएंगे, लेकिन लेट्स से वी आर कीपिंग इट सिंपल लाइक मैनी मैगजीन्स डू। यू नो मुझे एक दफ़ा एक बात बताई एनसीए में एक टीचर ने कि इट इज़ वेरी इजी टू मेक अ कॉम्प्लेक्स थिंग, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ सिंपल थिंग। इसका मतलब है अगर आपने कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज बनानी है, फजूली बिला वजह कॉम्प्लेक्स चीज, सारे शशके इफेक्ट्स डाली जाओ डाली जाओ डाली जाओ, इजी है ना, डालते क्लिक करते जाओ डालते जाओ कि वो मुश्किल सी चीज बन जाएगी। सो इट्स वेरी इजी टू मेक अ मुश्किल थिंग। हाउएवर अगर आपने बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड बनानी है तो आपको बहुत बार बार सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो ये बात माइंड में रखना आप लोग, आगे आपकी मर्जी है। सो मैंने अब आप में से कुछ बच्चे का दिल करेगा सर ये जो सिटी स्पोर्ट्स है ये इसके बैट के पीछे चला जाए, जैसे मैगजीन्स में होता है मॉडल आगे होती है, कुछ अल्फाबेट्स या कैरेक्टर्स हाइड हो रहे होते हैं, फिर भी हमें पता होता है टाइम मैगजीन है या वोग मैगजीन है, कोई भी मैगजीन है, तो यस वी कैन डू इट। और मैं क्विकली करने की कोशिश करता हूँ, क्विकली क्विकली मीन्स रफली, क्योंकि आई नीड टू सेव लिटिल टाइम टूडे, थोड़ी जल्दी है, ठीक है। सो सिटी स्पोर्ट्स के नाम से अगर, अच्छा दूसरा मैं इसको थोड़ी सी सेटिंग सेटिंग देख लेते हैं, बिल्कुल सेंटर में है। फोटोशॉप की अच्छी बात यह है जो लेटेस्ट वर्जन है अब टू CC6 के बाद से, पहले आई थिंक इतने इसमें नहीं था मार्जिन, अगर आप थोड़ा इसको लेफ्ट राइट करते हो वो ऑटोमेटिकली आपको ये देख रहे हो पिंक लाइन आ रही है, मुझे सेंटर के बारे में बता रहा है कि यू आर एट द एग्जैक्ट सेंटर, ठीक है। अच्छा और भी इसमें हम ऑब्वियसली चीजें एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड करेंगे अंदर पेजेस के बारे में, हाईलाइट्स कुछ डेट लाइन वगैरह भी करेंगे। अच्छा डेट लाइन भी ऐड कर देते हैं, चलो हम यहाँ पे, उसने वही राइटिंग साइज वगैरह पकड़ा हुआ है, मैं इसका नाम रख रहा हूँ लेट्स से फॉन्ट का नाम है सेंचुरी गोथिक, इट्स वन ऑफ द गुड फॉन्ट आई लाइक इट, और ये लिख देते हैं हम जुलाई 2020, ठीक है। और इसको मैं खींच के यहाँ ले आता हूँ, और इसका राइटिंग साइज हम अभी चेंज कर देते हैं, वी आर गोना मेक इट लाइक मे बी 18, और 18 तो आई भी हो गया, 18 बहुत छोटा है सॉरी, 30 प्रॉब्ली, टाइप नहीं हुआ वो नीचे आ रहा है वैसे, मे बी ओवर हेयर, इसको येलो वट एवर कोई भी कलर आप करना चाह रहे हो आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप ये शर्ट वाला कलर करना चाह रहे हो, ये भी आपको बताता हूँ, मतलब इट्स गुड नॉट टू यूज डिफरेंट कलर्स फ्रॉम द पैलेट और एनी वेयर यू वॉन्ट, रादर इट्स गुड, एक डिफरेंट चीज़ है लेकिन अच्छी है कि आप इस इमेज में से कुछ कलर्स उठा लो, लेकिन हमने देखना है कि वो स्टैंड आउट भी करे। फॉर एग्जाम्पल मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं ये ड्रॉपर टूल लेकर इसको क्लिक करूंगा, ठीक है, अब मेरे पास वो कलर यहाँ पे पैलेट में आप नोटिस कर रहे हो कि आ गया है,
ठीक है, यहाँ पे ग्रीन चेंज हो रहा है. ओके, सो वी कैन यूज डिफरेंट कलर्स इफ इफ यू वॉन्ट टू. सो आई एम गोना सेलेक्ट इट फर्स्ट ड्रॉपर टूल से. अगर मैं ये करूंगा तो मेरे पास ये कलर आ रहे हैं, ठीक है, तो इसके बाद में इसको हम यूज भी सॉरी कर सकते हैं, ठीक है. बट टुडे ड्रॉपर टूल में आपको बाद में इसको थोरली एक्सप्लेन करूंगा. सो आई एम गोना जस्ट मूव ऑन टू द मेन थिंग बिकॉज वी हैव मे बी 5 मिनट्स लेफ्ट. या जूम क्लास के टाइम का इशू नहीं है, इसके बाद मेरी ना AS की फर्स्ट क्लास है, तो मुझे उनको भी चीजें वगैरह करवाने के लिए, इस वजह से आई नीड टू रैप अप हेयर प्रॉब्ली. चलो ठीक है, नहीं हेयर नहीं, अभी कर लेते हैं. अच्छा, अब मैं सिर्फ लास्ट चीज आज के लिए कर रहा हूँ कि मैं इस फॉन्ट को इसके सर के पीछे लेके जा रहा हूँ. उसके लिए मुझे थोड़ी सी क्रॉपिंग करनी पड़ेगी, ज्यादा फुल क्रॉपिंग करने की जरूरत नहीं है, जस्ट थोड़ी सी क्रॉपिंग कर लेते हैं. यानी बैट बैट, अच्छा एक आइडिया मुझे, बैट को हेलमेट को खाली ये जरा थोड़ा शशका कर लेते हैं, ठीक है. हेलमेट को हम आगे कर देते हैं, बाकी फॉन्ट पीछे रहेगा. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टर्न ऑफ ऑल अदर लेयर्स, यू कैन से फिलहाल के लिए. मैं सिर्फ इसको टेक्स्ट को टर्न ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है. देख लो मुझे सिर्फ हेलमेट चाहिए, ठीक है. और मैं मैग्नीफाई कर रहा हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल प्लस दबा के. और मैं टूल्स ये जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा मैग्नेटिक लेसो टूल. आप कोई भी टूल ले सकते हो इनमें से, लेसो भी पॉलीगॉन भी. लेसो इज फॉर नॉर्मली उसकी आपको इसके आइकन से या इसके सिंबल से पता चल रहा है कि ये राउंड रैंडम शेप कर सकते हो. पॉलीगॉन टूल जो है ना, जैसे मैथ्स में पॉलीगॉन आपको पता है स्ट्रेट लाइंस को बोलते हैं, स्ट्रेट इमेज उसको बोलते हैं, शेप्स को बोलते हैं, रेक्टेंगल क्वाड्रेटल ऑक्टागॉन हेक्सागॉन इनको बोलते हैं. मैग्नेटिक इज वन ऑफ माय फेवरेट. व्हाई? बिकॉज बाद में पता चल जाएगा आपको, अभी बस क्विकली करके दिखा देता हूँ. यार पॉलीगॉन में ये होता है कि आपको ना यहाँ से यहाँ से यहाँ से शेप्स बनाते हो, ऐसे सिलेक्शन करते हो आप, ठीक है. ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल डी करके मैं इसको डीसेलेक्ट कर सकता हूँ. मैग्नेटिक में होता है वो ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू या वट एवर यू कॉल इट, वो उसकी सराउंडिंग्स को देख रहा होता है, ठीक है. सो मैं इसको कलर वाइज को सेपरेट करता हूँ. मैं हेलमेट को थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, मे बी लाइक दिस. और मैं सिर्फ हेलमेट चाहिए तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा. अब नोटिस करो, मैं कहीं क्लिक नहीं कर रहा, वो ऑटोमेटिकली उसको कर रहा है, नहीं तो हमें क्लिक कर करके आगे जाना पड़ता है, ठीक है. वो ऑटोमेटिकली आई एम नॉट क्लिकिंग, मैं जस्ट माउस को कर्सर को मूव कर रहा हूँ और वो खुद से लेट से मैं यहाँ से इसको जबरदस्ती लेके जा रहा हूँ कि यार बस हमारे पास टाइम कम है, मुझे इतना ही एरिया चाहिए था, ठीक है. मैंने क्लिक कर दिया और उसने इसको सेलेक्ट कर लिया. सेलेक्ट कर लिया तो मुझे ये हेलमेट ही मुझे एक और लेयर में अलहदा से भी चाहिए, ठीक है. तो मैं इसको कंट्रोल जे करूँगा. अच्छा वो कह रहा है कि ऐसे नहीं होगा, सबसे पहले आप इसको एक मिनट सॉरी, अब एरर देखो जरा. कुड नॉट मेक अ न्यू लेयर, मैं इसकी कॉपी करके न्यू लेयर में लेके जाना चाह रहा था. कुड नॉट मेक अ न्यू लेयर फ्रॉम द सिलेक्शन बिकॉज द पिक्सल्स इन अ टाइप लेयर कैनॉट बी मॉडिफाइड विदाउट फर्स्ट रास्टराइजिंग द लेयर. रास्टराइजिंग का मतलब ये है कि हमने इसको रास्टराइज करना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू समथिंग. वो समथिंग क्या है, मैं जानबूझ के भी आपको समथिंग ही बोलूंगा. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक दिस लेयर, राइट क्लिक एंड आई एम गोइंग टू राइट क्लिक एंड आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट. अब मैं इस पर्टिकुलर इमेज को ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है. और या अब मैं जब कंट्रोल जे करूँगा तो वो मुझे, आपने नोटिस किया ये मेरी नई लेयर उसने बना दी है, इसका नाम है हेलमेट. अगर हमने 13 रीजन वाई देखा हुआ है तो उसमें भी हेलमेट होता है उसका नाम, ठीक है. अब मैं क्या करूँगा, जस्ट अब मैं वापस जा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको वापस और टेक्स्ट की लेयर को भी ऑन कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ. अब सिंपल मुझे हेलमेट ऊपर चाहिए थी ना, टेक्स्ट से ऊपर मैं हेलमेट को लेके जा रहा हूँ, हो गया. जस्ट मैंने टेक्स से ऊपर हेलमेट को प्रायोरिटी दे दी, उसने हेलमेट को उठाकर उसके ऊपर कर दिया. एंड नाउ इजीली मेरा कुछ फॉन्ट बैट से आगे है और कुछ फॉन्ट पीछे है. हम सारा भी कर सकते थे लेकिन इसलिए मुझे बहुत तफसील से वो क्रॉपिंग करनी पड़नी थी, या क्रॉपिंग सॉरी सिलेक्शन करनी पड़नी थी, तो मैंने उसको इस तरह से कर दिया. सो नाउ इट्स लुकिंग लिटिल मे बी गुड, आई होप सो. एंड दिस इज हाउ, वैसे लास्ट मिनट आ गया, ठीक है. मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करूंगा.
और सेव करने के बाद मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा. फोटोशॉप में ऑप्शन होती है कि आप इसको जस्ट सेव एज कर लो, इमेज बन जाता है. यहाँ पे हम एक्सपोर्ट एज करके इसको मैं, आई होप यू कैन सी इट, मैं इसको जेपैक बना रहा हूँ और इसको मैं एक्सपोर्ट ऑल करके फोटोशॉप में ये मेरा एक्सपोर्ट हो गया. और अब मैं लेट से फोटोशॉप फाइल को बंद कर रहा हूँ. मैं फोटोशॉप को क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है. अब मैं वो इमेज ओपन करता हूँ. आई एम गोइंग टू ओपन दैट इमेज एंड वी विल सी हाउ इट लुक्स एक्चुअली. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. वेयर इज दैट इमेज? हियर इट इज. या एंड आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू पीपल. दिस इज द इमेज जो उसने हमें बना दिया है. और हमने क्विकली एक, अभी हमने ऑब्वियसली यहाँ पे उसकी और चीज़ें ऐड करनी है, एलिमेंट्स, डेट लाइन मैंने रैंडमली ऐड किया है, बहुत सी चीज़ हमने ऐड करनी है. सो आई एम गोइंग टू, एक मिनट, आपके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. एंड दिस ब्रिंग्स एंड टू टुडेज क्लास, टुडेज रिकॉर्डिंग एक्चुअली. सो आई एम गोइंग टू टर्न ऑफ रिकॉर्डिंग.